इस वक्त हमारे साथ महाराजगंज से कांग्रेस के प्रत्याशी आकाश मौजूद हैं। आकाश नामांकन दाखिल करने के लिए जा रहे हैं, युवा हैं, एक बड़ी चुनौती उनके सामने है, एक बड़ी जिम्मेदारी भी इनके साथ है। आकाश, आप नॉमिनेशन करने के लिए जा रहे हैं, किस तरह की जिम्मेदारी और किस तरह की चुनौती आपके साथ है? नहीं नहीं, बिल्कुल कोई भी चुनौती नहीं है। हम लोग यहाँ बड़े मार्जिन से चुनाव जीत रहे हैं। जैसा सिग्रीवाल जी ने यहाँ काम किया है, जो वादा खिलाफी मोदी जी ने की है, उससे हम लोगों को मदद मिल रही है। हम लोग एकदम सेल कर रहे हैं, कहीं से कोई चुनौती नहीं है, बड़े मार्जिन से यहाँ जीत होगी। आपकी पार्टी 30 लाख रोजगार का वादा कर रही है, 30 लाख सरकारी नौकरी का वादा कर रही है। युवाओं में इस बात को लेकर काफी रंज है कि नौकरी के अवसर थोड़े कम हुए हैं। युवाओं से मुलाकात करेंगे, किस तरीके से अपनी बात रखेंगे? नहीं, बिल्कुल हमारे मैनिफेस्टो में कि 30 लाख जो सरकारी नौकरियां हैं केंद्र सरकारी, उसको हम लोग भरने का काम करेंगे। मोदी जी ने वादा किया था कि 2 करोड़ नौकरियां हर साल देने का काम करेंगे, 10 साल के 20 करोड़ नौकरियां होनी चाहिए थी। देश की जनता जानती है कि 20 लाख भी उन्होंने नहीं दिया है। सच्चाई ये है कि भारत सरकार की नौकरियां 30 लाख खाली हैं, तो वो तो हम लोग भरने का काम करेंगे ही, उसके अलावा हम लोग 1 करोड़ नौकरियां देने का काम करेंगे। क्या माना जाए आकाश, कि आप जो युवा हैं, युवाओं कहा है कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो 30 लाख सरकारी नौकरी दी जाएगी? अपने घोषणा पत्र में कहे हैं, राहुल जी ने कहा है कि जो 30 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट के नौकरी में खाली है पद, उसको आते ही हम लोग भरने का काम करेंगे। जो 3-4 गारंटी दिया है, उसमें एक गारंटी ये भी है यूथ के लिए और किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य का कानूनी गारंटी देने की बात की गई है। जो महिला है, वो गरीब महिला, गरीब परिवार के महिला को 1 लाख रुपया देने की बात की गई है। तो हम लोगों का कोई हवा हवाई मोदी जी की तरह नहीं है गारंटी, उस पर दस्तखत है राहुल जी का, उस पर दस्तखत है खड़गे जी का, और जो वर्कर्स घर में देते हैं वो भी, वो उनसे भी लिखवा के हम लोग लेते हैं। और पहले भी जहाँ कहीं भी कांग्रेस की सरकार बनी, चाहे राजस्थान में बनी हो, छत्तीसगढ़ में बनी हो, कर्नाटक में बनी हो, मध्य प्रदेश में बनी हो, अगर राहुल जी ने कह दिया था कि हम किसानों का ऋण माफ करेंगे, तो सब जगह एक महीना के अंदर अंदर ऋण माफ करने का काम हुआ। हम लोग सरकार थे यूपीए 1 में 72,000 करोड़ रुपए की लोन माफी हुई थी, लेकिन ये सरकार तो उसके उलट 22 धनाढ्य परिवारों का 16 लाख करोड़ रुपया माफ करने का काम किया। तो सब लोगों को समझ है कि ये इनकी जो पॉलिसी बनती है वो पूंजीवादियों के लिए बनती है, धनाढ़ियों के लिए बनती है, और कांग्रेस पार्टी जब कभी सत्ता में आती है तो किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान का बात करती है, महिलाओं का बात करती है। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। तो ये हमारे साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह थे। सभी कांग्रेस की पार्टी के नेता हो या इंडिया गठबंधन के नेता हो, उन्होंने युवाओं के मुद्दे को उठाना शुरू किया है। 30 लाख सरकारी नौकरी देने की बात कही है, उसके साथ साथ ये कहा है कि जो भी मजदूर है, किसान है, घर की महिलाएं हैं, सारे तबकों का ध्यान रखा जाएगा। कैमरा पर्सन फिरोज के साथ प्रीतम कुमार, कशिश न्यूज, छपरा।